अच्छा हालत ये है, एक तरफ ये है कि सारे मुल्क से हमदर्दी के पैगामात जा रहे हैं, आर्मी चीफ ने फोन कर दिया। नहीं, वो तो एक इंसानी हवाला अरे है, अब बात मुकम्मल कर लेना, वो तो कोई हर्ज नहीं मैंने है। तो कोई कुछ नहीं, हमने भी दुआ की हाँ दुआ की तो आप बिल्कुल। और सुन लेना, हो क्या रहा है, यानी किस किस्म की ये इनके स्टैंडर्ड्स हैं और ये करतूत क्या है। और इमरान खान ने भी ट्वीट कर दी है, नेवल चीफ ने भी कर दी, सदर ने कर दी, उसने कर दी, इसने कर दिया, उसने कर दिया। इस वक्त जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वो बबलू साहब जो है, हसैन नवाज साहब, हेरल्ड जो है स्टोर मशहूर जगह, वहाँ कहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं, यानी वालदा उनका बहुत बदतरीन सूरत हाल है, कैंसर के मरीज है, और यार उधर इसलिए थके गर्दन आए होंगे ना, को जरा थके होंगे तो वो जरा अपना आराम करने आए थक होंगे, गए यार, क्या बैठे बातें रहता कर है ना रहे हैं। अस्पताल में, थक अच्छा जाता आदमी। दूसरी तरफ मरियम साहबा, जिनको ट्वीट से फुर्सत नहीं मिलती, हर वक्त ट्वीट, हर वक्त ट्वीट करती है कि मेरी वालदा की तबीयत खराब है और उनके गर्दन में कैंसर हो गया, ये हो गया, इनका अपना गर्दन का सरिया निकल नहीं रहा। ये अभी ये सोच, ये फैसला नहीं कर पाई कि इन्होंने यहां रहना है कि या वहां तीमारदारी करनी। भाई अगर सीरियस सिचुएशन है तो हसैन साहब इस वक्त हैरड के बाहर वहां क्यों कॉफी नहीं ये तो इधर पी ही रहे रहेंगी हैं, ना, इन्होंने तो और वहां मरियम साहब यहां क्यों रहेंगे, अपनी मां की तीमारदारी करनी है या यहां। जाहिर है हमजा शबाज साहब जो है, उनको इन्होंने लड़के महम से बाहर किया इनको तो था, कंपेन वो के लिए भी यही मुल्क से रहे बाहर चले गए, एन और एक सौ उनके छोटे भाई भी कल जा रहे हैं, सलमान शबाज अगर हाँ ये उसके पास, मतलब और ये जाना। बाकी लोग भी, मियां साहब भी किसी वक्त जाने वाले, जैसे कल भी कहा, और शबाज शी साहब की ईद की छुट्टियों में शायद चले जाए, तो ये तमाशा बना हुआ है, माफ करना। तमाशा मेरे ख्याल में किसी तरफ एक अब लगना चाहिए, मेरे मैं ये कौन क्या आपसे सब। पूछ रहा हूँ कि ये किस किस्म के, यानी औलाद है कि वो इस वक्त, वो कहते नहीं कुछ नहीं बस ठीक है वालदा ठीक है, मैं उन्हें किसी ने कहा कि भी काम इधर क्यों बैठे हुए हैं देखिए चौधरी अभी साहब, इस वक्त, हाँ तो लगा मैं बस ये कॉफी पी रहा हूँ हेरल्ड में, बस चौधरी यार। साहब जिस तरह कहते हैं ना कि गरीब आदमी का कोई वतन नहीं होता, इसी तरह अमीर आदमी का कोई वतन नहीं होता, उसका उसको तो बैंक अकाउंट होता है, वो जहां जाता है उसका वतन बन जाता है।